work them, lift the pain. ऑलमोस्ट हम रेडी हैं। ये हमारी लगेज पैक हो चुका है। ये होटल है जिग जिग हॉलीडे, काफ़ी अच्छे रूम्स हैं, फैसिलिटीज़ पूरी है, साथ में ही रेस्टोरेंट, अंदर ही रेस्टोरेंट है, वो हरा भरा है, बहुत ही शानदार है, पार्किंग है, ये सारी इनकी अपनी पार्किंग है। तो अब हम निकल रहे हैं सीधा त्याश की जो विलेज है, लास्ट विलेज है, उसके बाद पी ओ के शुरू हो जाता है। खरदुंगला टॉप पर हम जाएँगे, वहाँ पे हम फोटोग्राफी करेंगे, उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे। तो आज पूरी वाट लगने वाली है, काफ़ी लंबा टूर हो जाएगा, 201 किलोमीटर का आज का हमारी राइड है। तो आप एंजॉय करो हमारे व्लॉग को। अब हम निकल पड़े हैं जिग जिग होटल से और पूरे 12 बज चुके हैं, पेट्रोल भी डलवाना है जिसकी वजह से हमें और लेट होने वाले हैं। और ये जिग जिग होटल था, काफ़ी बढ़िया था, रहना खाना पीना बहुत ही बढ़िया था। अगर आप यहां आना चाहें तो मैंने इनसे बात कर ली है, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे नाम से। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारा एड्रेस वगैरह। और ये है ले पैलेस सामने, रात को हमें दिखाई नहीं दिया था लेकिन अब दिख रहा है, ये ले पैलेस है सामने। इसको मैं 2-3 बार विज़िट कर चुका हूँ, ले पैलेस को 2014 में और 2018 में 2 बार। और ये देखिए साइकिलिस्ट का भी काफ़ी यहाँ पे क्रेज हो गया है, लोग मनाली से ले साइकिल से करते हैं। ये मार्केट है पूरी ले की, जब भी आता हूँ मैं इन मार्केट में ज़रूर घूमता हूँ, बहुत ही अच्छी मार्केट है ये, डीसी ऑफिस के पास है ये आगे से शायद डीसी ऑफिस आएगा। तो गाइस हमने यहाँ पे पेट्रोल फिल करवा लिया है और ये योगेंद्र भाई अपने कैन में फिल करवा रहे हैं और मैंने भी एक कैन एक्स्ट्रा रखी हुई है, बाकी टैंक फुल है। चलो ठीक है भाई, ओके। आपका नाम क्या है? वैभव। आपका? गौरव। गौरव, ये वैभव भाई पश्चिम बिहार से हैं और पीतमपुरा से। आप गौरव भाई पश्चिम बिहार से? चलो देखते हैं नुपरा वैली में मिलते। तो ये आ गया खरदुंगला, खरदुंग, खलसर और डिस्किट। तो ये हमारा रूट आ गया है नुपरा वैली के लिए, डिस्किट है 118 किलोमीटर। तो अभी ले से हम निकल रहे हैं, ले की मार्केट है पूरी, ले के घर हैं। आपको पता ही है कि अभी हमने त्याश की विलेज, जो लास्ट विलेज है पीओके के साथ, उसके बाद पीओके शुरू हो जाता है, वहाँ से सामने से दिखता है जितनी माउंटेन रेंज है सब नज़र आती है। अब तो बहुत ही खूबसूरत है। तो आज हम एक होम स्टे में रहेंगे और उसके बाद कल हम वापसी अंदर नुपरा वैली आने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आप प्लीज़ ये सीरीज़ को देखना, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। और लाइक ज़रूर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ यार मुझे सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका 1 रुपया नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन भाई का हौसला बढ़ जाएगा। थैंक यू। हाँ आरसी दिखाओ और आपका आईडी प्रूफ। अपना है भाई, पर्सनल है। और क्या, दिल्ली से लेके आया आपका वो आरसी होगा? सबका सबका अपना है, आरसी और एक आईडी प्रूफ, सब कुछ है यार हमारे पास, सब कुछ है। बाइक नंबर वाला आरसी है, बाइक आरसी है। हाँ आरसी है ना, 6242258। उसका बैग चोरी हो गया, उसका FIR है पुरने में, जजकार में, उसका सारे डॉक्यूमेंट चोरी हो गया, सारा उसी में था यार। सबका अपना है यार, हम सब लेके आए हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ कोई नहीं, हमारा अपना है सबका। खरदुंगला यहाँ से 34 है और साउथ पोलो 20। साउथ पोलो में हमारा जो ये परमिट चेक होगा और बाइक का रजिस्ट्रेशन, सारा नाम पता सब रजिस्टर करना पड़ेगा वहाँ पे। गाइस मैं ले से तकरीबन 10 किलोमीटर आ चुका हूँ और ये ले का व्यू पॉइंट है, ये देखिए सबसे टॉप पे हम और सामने ले नज़र आ रहा है पूरा, मैं दिखा देता हूँ आपका व्यू, ये देखिए। मोस्टली यहाँ पे जितने भी बाइकर्स या कोई भी टूरिस्ट आता तो यहाँ फोटोग्राफी जरूर करता है। तो अभी हम चल रहे हैं साउथ पोलो, वहाँ पर हमारी बाइक परमिट वगैरह चेक होगा, फिर हम आगे निकलेंगे खरदुंगला के लिए, चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी मैंने फ़ोटोग्राफी करी,
बाकी अपने भाई लोग आगे निकल गए हैं तो हम भी निकलते हैं। यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि परमिट मेरे पास है, अगर दोनों आगे चले भी गए तो परमिट तो मेरे पास ही है तो मुझे जाना पड़ेगा उनसे पहले। देखिए व्यू, देखिए यार कितना ज़बरदस्त व्यू है। तो गाइस हम साउथ पोलो में पहुंच गए हैं और यहाँ पे परमिट चेक होगा तो परमिट चेक करा के फिर हम निकलेंगे आगे। यहाँ पे हमने परमिट दिखाया और उन्होंने एक परमिट यहाँ जमा कर लिया, हमारी बाइकों के नंबर नोट कर लिए तीनों के। ये था साउथ पोलो, अब आगे नॉर्थ पोलो में भी एक परमिट को जमा कर देंगे। और खरदुंगला यहाँ से 14 किलोमीटर है तो हाफ एन आवर में हम खरदुंगला पहुँच जाएंगे। एक बज चुका है अभी तो 1:30 बजे तक हम खरदुंगला होंगे और 2 बजे तक वहाँ से निकल जाएंगे खरदुंगला से। खरदुंगला का तो आपको सबके पता ही होगा ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, 70,800 फीट की हाइट पे है सी लेवल से। अभी तक हमने शिंकुला 16,580 और शेंगला 16,590 ये दो हमने कर चुके हैं कल वाली राइड पे। तो कल का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो ब्लॉग जरूर देख लेना, बहुत ही मस्त ब्लॉग है, बहुत ही खतरनाक ऑफ रोडिंग थी कल। 3 दिन में जंस्कार कवर करा हमने। ये व्यू देखो जी, उसको मैंने नीचे से कैप्चर किया था, ये हम काफ़ी ऊपर आ गए। बीच बीच में जो है छोटे पैच ख़राब मिल रहे हैं लेकिन बाकी रूट बहुत अच्छा है। 2018 में आया था तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस बार तो बहुत अच्छा है बना हुआ है। और यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस भारी हो गया। और ये देखिए ऊंची चोटी पे पहुँचना है, उस टाइम हमें बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। और ये वाटर क्रॉसिंग पहली बार मिली है यहाँ पे खरदुंगला में, खरदुंगला में वाटर क्रॉसिंग। ये देखिए पूरे बर्फ़ के पहाड़ और ये वाटर क्रॉसिंग, 2-3 वाटर क्रॉसिंग आ चुकी हैं अभी तक। ये छोटी छोटी हैं, जो हमने झेली हैं उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता आगे हमें बड़ी वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, बर्फ़ ज़रूर मिलेगी, देखना। काफ़ी ठंड बढ़ती जा रही है और हमने गर्म कपड़े तो निकाले ही नहीं है। अभी इनर पहना हुआ है मैंने और राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, और नीचे भी इनर और राइडिंग जैकेट, ये मैं हमने ठंड से बचने के लिए पहन रखे हैं। और कैप कूप मैंने रखी नहीं है। अभी लगता है हम पहुँच गए हैं खरदुंगला, और हम पहुँच गए हैं खरदुंगला। खरदुंगला कितना रश है यार, मेला लगा हुआ है यहाँ तो खरदुंगला में। वाह 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 क्या बात है यार, यहाँ तो मेला, फ़ोटो खिंचाने के लिए मेला लगा हुआ है। हम हैं अभी खरदुंगला में तो 12:30 बजे हम लेह से चले थे, 1:30 बजे पहुँच गए 1 घंटे के अंदर। वाह क्या स्पीड से हम पहुँचे हैं, और 1 घंटे में लेह से खरदुंगला में पहुँच गए। और ये अमित भाई फर्स्ट टाइम आए हैं ना, आप फर्स्ट टाइम, और आप भी जोगिंदर भाई भी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मस्त सिंपल लग रहा है, मतलब नहीं तो पहले बर्फ़ होएगी ना तब ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो हाँ, जो खरदुंगला में ले से लोग सिर्फ यहाँ पे बर्फ़ देखने आते हैं और यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं, बहुत कम लोग आगे जाते हैं। हम जा रहे हैं POK के पास त्याक्षी, तो हम पहुँच जाएंगे 7-8 बजे तक, हमें पूरी उम्मीद है। तो मैं व्यू दिखा देता हूँ एक बार यहाँ का, ये देखिए ये चारों तरफ व्यू, ये बाइकर्स खड़े हैं सारे, ये सारे टूरिस्ट बसें हैं, ये आर्मी है, यहाँ पे आर्मी है। कई किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो ऊपर मेडिकल कोर भी है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, और एक कैंटीन भी है यहाँ पे, कैफ़े भी है। तो ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं पीछे, तो अब हम चलेंगे, काफ़ी देर हो गई हमें, 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे इंजॉय करते हुए। तीसरी चौथी बार ये GoPro हैंग हो गया। तो खरदुंगला टॉप से हम नीचे आ चुके हैं, और ये देखिए यार ग्लेशियर देखिए, बर्फ़ देखिए कितनी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और बहुत तेज़ी से ये बर्फ़ पिघल रही है यहाँ पे। तो खरदुंगला में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं लेह से सिर्फ बर्फ़ देखने, जैसे कि मनाली से लोग रोहतांग जाते हैं उसी तरह लेह से खरदुंगला लोग आते हैं
सिर्फ 37 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं आप, जहाँ से आराम से भी चलेंगे तो 2 घंटे मैक्सिमम। हम तो 1 घंटे के से भी पहले पहुँच गए थे, लेकिन अभी भी 165 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी कवर करना हमने। और ये जैसी बर्फ़ ख़त्म होगी रोड अच्छी हो जाएगी, अभी तो रोड की हालत ख़राब हो रही है पानी की वजह से। पानी तो रोड का दुश्मन है। और ये छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग्स, Now these bridges that I'm building, I'ma burn them, burn them, burn them. All this money that we making, I'ma burn them. टॉप। और ये देखो टूरिस्ट खड़े हैं वो ऊपर, काफ़ी नीचे आ गए हम। और ये पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा पानी, आइस बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है। विद इन वीक ही आपको, ओहो ओहो, ये पत्थर में दिक्कत होती, वाटर क्रॉसिंग में दिक्कत नहीं होती। अभी नॉर्थ पोल में पहुंच गए हैं, ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमने अपना परमिट जमा करा दिया है। 2 ही परमिट थे हमारे पास आगे, और हमें आगे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हमारे मोबाइल पे उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, तो तब प्रॉब्लम होगी। तो ये अब हमारी बाइक खड़ी है इस पीछे, अभी कुछ खाते हैं, चाय कॉफ़ी मंगाई है और कॉफ़ी पी के फिर आगे निकलेंगे।